अध्यक्ष महोदय, बड़ा दुख होता है कि हम मालेगांव शहर के लोग सिर्फ न्याय मांगते आज तक रह गए कई वर्षों से। हमारे शहर के अंदर 2006 के अंदर मालेगांव शहर के अंदर ब्लास्ट हुआ, आज तक हमको न्याय नहीं मिला। 2008 के अंदर ब्लास्ट हुआ, आज तक हमको उसके अंदर न्याय नहीं मिला। और जो लोगों ने ब्लास्ट किए आज वो भारत की संसद के अंदर जाकर बैठे, और ये हमारे हिमंत करकरे साहब को अपमान करने वाले भी संसद के अंदर जाकर बैठे अध्यक्ष महोदय। और ये जो केस है आज तक न्याय प्रविष्ट है, और उस केस का जल्द से जल्द निकाल होकर मालेगांव शहर वासियों को न्याय मिलना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मैं सरकार से बोलना चाहूंगा, मुझे बोलने की संधि दी, बहुत बहुत धन्यवाद। सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, ज्या केसचा निकाल नाही लागला आणि भोपाळच्या गरीब मजदूर कष्टकरी जनतेने निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधीविषयी असं बोलणं योग्य नाही। आपण तपासा आणि योग्य नाही वाटलं नक्की काढा, तपासून। अध्यक्ष महोदय, अगर केस का निकाल होकर निर्दोष छूट जाते तो जब हम कुछ नहीं बोलते। अभी तक केस का निकाल नहीं हुआ है, मैं मेरे बोलना है वो गलत नहीं है, मैं न्याय मांग रहा हूं मालेगांव शहर वासियों से। जो शहीद हिमंत करकरे ने जिन लोगों को पकड़ा वो शहीद हो गए, आज वो भी न्याय, वो यहाँ इस दुनिया से चले गए, उनको भी न्याय की जरूरत है, उनके परिवार को और मालेगांव वालों को भी, ये मेरा बोलना। सर ठीक है, अप्रस्तुत असेल ते काढून टाकू। मला वाटतं राज्यपालाच्या अभिभाषणावरील चर्चा अध्यक्ष महोदय।